गौरव भैया आप ऊपर एक बार बोल के देखो तो। नहीं बिल्कुल सबो जन मंत्र मुग्ध है, अभी दिलीप सोलंकी जी के और उनका टीम के इतना सुंदर प्रस्तुति अंदर हुए है, सब बोला बने लगी है और सब इधर आना देवाने आपके भीड़ नमित जिन मंच के सामने के दर्शक देखा है वहाँ के भीड़ ये बात ला साबित कर रहे कि सबो जन आनंद लेवन है ये पूरा आयोजन के। तो अभी एक छोटे से ब्रेक ले गए है हमें और वह मंची व्यवस्था है मेरे करे जाए ताकि थोड़ा ही देखना
स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय चित्र रेखा साहू जी, सचिव पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन श्री अनवर्धन जी, स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सचिव महोदय से पुनः निवेदन, माननीय पर्यटन मंत्री महोदय के स्वागत के लिए, माननीय पर्यटन मंत्री महोदय का स्वागत। सचिव महोदय से पुनः निवेदन, माननीय नगर प्रशासन मंत्री महोदय के स्वागत के लिए। आईजी बिलासपुर श्री रतनलाल गांधी जी आमंत्रित है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा श्री जितेंद्र कुमार
हाँ भागो तीन दिवसीय हाँ खुश रह मानस महोत्सव हाँ और श्री राम वन हाँ भैया बाबर पर्यटन परिपथ के विकास कार्य के लोकार्पण समारोह सुबह टाइम हाँ अभी तो मैं सिवना सम्मानीय मुख्य अतिथि अमर मुखिया अमर अगुआ कैसे करा बताते अच्छा छत्तीसगढ़ शासन के आन बान शान सम्मानीय मुख्यमंत्री लेना हाँ श्री भूपेश बघेल जी ये कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हैं लेन भैया हाँ हाँ सम्मानित रामदास साहू जी गृह मंत्री और हमारे सम्मानित पर्यटन मंत्री ऋषि सदस्य में विराजमान आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार दहिया जी नगरीय प्रशासन मंत्री सभी विशिष्टजन जो मंच में विराजमान है विधायकगण पूर्व विधायकगण उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मानस मंडली के सभी देवियों सज्जनों पत्रकार बंधुओं जांजगीर जिला के सम्मानीय कलेक्टर श्री जितेंद्र शुक्ला जी एसपी आदरणीय अभिषेक पल्लव जी आईजी धर्मी जी और प्रबंध संचालक आदरणीय साहू जी श्री आचार्य जी और पूरे 15 दिन तक श्री नारायण जी डेरा डाले हुए कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए ऐसे अनुराधा दुबे जी उपस्थित सभी देवियों सज्जनों बंधुजन सबसे पहले आज रामनवमी के पावन अवसर में आप सब मैं बहुत बहुत शुभकामनाओं का बधाई देवा हूँ कावर की मर्यादा कुछ राखन सरकार जी ज्ञात जन्मोत्सव केवल शिविरान जी केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारतवर्ष पूरा विश्व आज मनावा थे एक बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत बधाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में हम हैं ये हम सबके सौभाग्य है 20 नवंबर 1929 के सम्मानीय मुख्यमंत्री
मेरे मन में शर्करा तू बसा है उस पर मुझे मालूम था जो है मेरा था अभी नहीं मिला और ये
जबकि घरों में जो तस्वीर है राम दरबार के आप देखेंगे जिसमें शीतलता महसूस होती है, लेकिन अभी अब वो हनुमान जी को एकदम आक्रोशित रूप के चारों तरफ भयंकर क्रोधित है, जबकि हनुमान जी ज्ञान के भंडार हैं, भक्ति के सबसे बड़े उदाहरण यदि कोई है जिन्होंने अपने सीधा हृदय चीर के राम और सीता को दिखाया, और बल्कि भी जो सौ योजन समुद्र को लांघ जाए ऐसे हनुमान जी को ये आकर्षित हनुमान जी को हमारे जो आस्था उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये 2023-24 में क्या मुद्दे को छीन रही है कांग्रेस? देखिए हम राम के नाम से राजनीति नहीं करते, हम तो राम राज लाने वाले हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा, राम राज होना चाहिए, तो राम राज में सबके लिए स्थान है और इनके लिए स्थान नहीं है। ये वोट की राजनीति करते हैं, हम वोट की राजनीति करने वाले लोग। थैंक यू।